हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। आई होप आप सभी स्टूडेंट होंगे। तो मैं फिर स्वागत करता हूँ आप लोगों ने परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा, सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो इस बार भी आपकी ऑनलाइन हो रही है। तो खुश होने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये सपना जो था, जो आप पिछले एग्ज़ाम से पहले देख रहे थे कि चलो ठीक है, कोविड आएगा तो सेकेंड सेमेस्टर में हम ऑफलाइन जाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे और थोड़ा कॉलेज वॉलेज देखने को मिलेगा, तो वो सपना टूट गया है। सोल ने आपके जो सपने हैं उन्हें तोड़ दिया है। सोल ने ये कहा है, घर पे रहिए, गर्मी से बचिए और भीड़ से बचिए। तो सोल की जो सेकेंड सेमेस्टर की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट हो रही है, जिसमें बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स की चारों क्लासेस शुरू हो चुकी है। बट अभी तक बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस का कोई टाइम टेबल नहीं आया है। और कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन 12 तारीख को जब क्लासेस ज्वाइन करने में काफ़ी दिक्कत आई थी, ना तो वो डैशबोर्ड के जरिए ज्वाइन कर पाए और ना ही वो जैसा मैंने स्टेप बाई स्टेप वीडियो बनाई थी उसके थ्रू ज्वाइन कर पाए। तो आज की वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है और क्यों मैं ऑनलाइन क्लासेस को शुरू से ही बायकॉट करने के लिए कहता हूँ। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट्स। देखिए, पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन, पासवर्ड इनकरेक्ट इशू। ये जब भी इशू आपको आता है कि आप पासवर्ड जब भी डालते हो, ये भी प्रॉब्लम जब भी आपको आती है, इसका मतलब ये है कि जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है वो रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, तो जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है एक दो बार ट्राई करो, नहीं हो रहा, अगर आपको क्लासेस चाहिए ही, क्योंकि क्लासेस कंपलसरी नहीं है, तो आपको नॉर्थ कैंपस विजिट करना होगा। वहाँ आईटी रूम है जहाँ पे इस पासवर्ड को दोबारा से आपको न्यू पासवर्ड दिया जाएगा, जिनको भी पासवर्ड का इशू आ रहा है। अब शेड्यूल नॉट शोइंग इशू, ये जैसे कई ऐसे स्टूडेंट ने मुझे कंप्लेंट की कि सर हमारे डैशबोर्ड पे, हमारे और वो सोल की साइड पे जो शेड्यूल है, जो मतलब टाइम टेबल है, शो नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारे सामने लिंक होता है। तो ये प्रॉब्लम तभी होती है जब एक साथ स्टूडेंट उस साइड को ओपन करने की कोशिश करते हैं, हिट करते हैं, तो जिससे सर्वर डाउन हो जाते हैं। अब देखिए, सोल के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये आज की नहीं है, ये बरसों से चली आ रही है भूतपूर्व, कि जब भी सोल कुछ भी न्यू करने की कोशिश करता है, देखिए सोल के इरादे बहुत अच्छे हैं, बट क्या करें, सोल की मजबूरी ये है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिल गए, तो इससे क्या होता है कि एक बार में 25 से 30 हज़ार एक ही बार में जैसे ही ओपन करते तो सर्वर हो जाते डाउन, और जैसे ही सर्वर डाउन होते तो 1 से 2 घंटा बस हो गया काम, फिर आपकी क्लासेस क्या कुछ भी नहीं आप देख पाओगे, ना एडमिट कार्ड निकाल पाओगे, ना रिजल्ट आप चेक कर पाओगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर हम कल, कई ऐसे स्टूडेंट थे कल सिर्फ 10 से 15% बच्चे ही क्लासेस देख पाए, उसके बाद कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जो क्लासेस देख पाया, ना तो शेड्यूल शो कर रहा था डैशबोर्ड पे, ना ही लिंक वर्क कर रहा था, ज्वाइनिंग के लिए परमिशन की प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये सारी प्रॉब्लम सर्वर की वजह से होती है, और जिनको भी पासवर्ड इनकरेक्ट और ये परमिशन वगैरह की प्रॉब्लम आती है, आप को नॉर्थ कैंपस विजिट करना होगा, वही आपका पासवर्ड रीस्टोर करके दोबारा से देंगे। ठीक है, तो ये दोनों इशू मैंने आपको बता दिया। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस इसीलिए मुझे बेकार लगती है सबसे बुरी, ये देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट कह रहे हैं, स्टूडेंट के मैंने, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने 10 स्टूडेंट से पूछा कि आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम पे तो सबके अच्छे विचार आते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन क्लासेस पे आपके क्या विचार है। जब हमने टीम के द्वारा हमने बोला कि टेलीग्राम पे ये पोस्ट की जाए, तो आप विश्वास नहीं करोगे, आज सारा स्टूडेंट ने यही कहा, समझ में कुछ नहीं आता, हमें अगर कुछ पूछना होता है वो हम पूछ नहीं पाते, सामने वाले टीचर सिर्फ अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं, और हमें अगर कुछ भी बीच में से पूछना होता है, हमारा कुछ मिस हो जाता है, वो भी हम नहीं पूछ पाते। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये ऑनलाइन क्लासेस में, इसलिए स्टूडेंट ये कह रहे कि सर हम ऑनलाइन नहीं लेंगे, इससे अच्छा हम सेल्फ स्टडी कर लेंगे, और आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह अवेलेबल करवा देना, नोट्स वगैरह, तो हम कर लेंगे, इससे हमारा काम हो जाए। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट अब इसको अवॉइड कर रहा है। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तब तक ठीक है जब तक स्टूडेंट उस तक पहुँच पाए, अब पहुँच ही नहीं पा रहा स्टूडेंट, ज्वाइन तो तब होगा जब उसके जो प्रॉब्लम है, ये जो ग्लिचिस आते हैं, जो इश्यूज आते हैं, ये जो प्रॉब्लम ही ठीक नहीं होगी, तो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब क्या है, क्लास हिसाब करा लोगे फिर आप एग्ज़ाम ले लोगे। तो कुल मिला के ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पे ठीक हो जाएगी, बट फिर भी अगर ठीक ना हो तो आप नॉर्थ कैंपस जाना, अपना पासवर्ड वगैरह ठीक करवा लेना, आपको फिर ज्वाइनिंग हो जाएगी। और कई स्टूडेंट ये भी कहते हैं, सर हमारा जैसे 2 GB डेटा, जैसे जियो की सिम तो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास होगी, और ज़्यादातर स्टूडेंट वाईफाई यूज करते हैं,
तो जो सिम प्रोवाइडर वाले मतलब जो सिम वाले जो सिम यूज करते हैं वो कहते हैं सर हमारा 1.5-2 GB होता है वही एक क्लासेस में सारा ख़त्म हो जाता है क्यों हाई डेफिनेशन में चलती है तो इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं। और जिनका वाईफाई है वो तो कई कई ऐसे स्टूडेंट जिन पर टाइम नहीं है वो कहीं तो जॉब करते हैं या उन पर और भी कुछ पर्सनल काम रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल अगर आप ले पाओ तो ले लीजिए वरना सेल्फ स्टडी कीजिए क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। इस मेरे ख्याल से इससे अच्छा अगर ऑफलाइन करा देते तो ठीक रहता बट ऑफलाइन में ये प्रॉब्लम थी। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की जो प्रॉब्लम उन्होंने बताई वो जेन्युइन है। देखिए आप सभी को पता होगा अभी सेकेंड और थर्ड ईयर के पेपर चल रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी कॉलेज खाली नहीं है जहाँ पे आपकी क्लासेस ले पाए तो जिसकी वजह से इन्होंने ऑनलाइन मोड पे शिफ्ट करी है क्लास। बट स्टूडेंट की माने तो स्टूडेंट की अपनी राय है ड्यू की अपनी राय है। अब देखिए हम हमेशा स्टूडेंट के साथ है। अब ऐसा नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने जो किया है गलत किया है बट मैं ये कहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको थोड़ा रिजॉल्व कर दे ताकि जो स्टूडेंट है उनकी स्टडी का जो सिलेबस है जो पूरा कंप्लीट हो जाए थोड़ा सा ठीक है। बाकी जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस है उसका टाइम टेबल अभी तक आया नहीं है। आप वेट कर लीजिए 3-4 दिन के अंदर टाइम टेबल आ जाएगा और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जैसे टाइम टेबल आएगा मैं आपको बता दूंगा क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट है और किस मोड पर स्टार्ट होगी। देखिए चार्जेस उनके भी ऑनलाइन मोड के ही है पॉलिटिकल ऑनर्स वालों के। जब 4 कोर्सेज के ऑनलाइन होगी तो आप कौन से कहते हैं ना कि आप कौन से खास हो तो आप भी हो ही तो सोल के तो आपकी भी क्लासेस ऑनलाइन ही होगी। फिलहाल अगर ऑफलाइन का कुछ मैटर बनता है तो हम आपको बता देंगे। फिलहाल टाइम टेबल जैसे आएगा हम आपको अपडेट कर देंगे क्योंकि पॉलिटिकल ऑनर्स की जो क्लासेस काफ़ी कम होती है लिमिटेड होती है ठीक है। और बाकी वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कोई प्रॉब्लम आ रही है ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं आपको यही बताऊँगा सबको प्रॉब्लम आ रही है ऑनलाइन क्लासेस में इशू सबको आ रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था सेकेंड सेमेस्टर में भी आ रहा है और आगे भी आएगा जब तक इनके सर्वर ठीक नहीं होंगे। थैंक यू सो मच।